में श्रीमद् भागवत के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है। अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं, अधिकारी कौन है, संबंध क्या है, विषय क्या है और प्रयोजन क्या है, यह एक श्लोक में बतलाया है। धर्मः प्रोक्षित कैत्रवो परमो निर्मत्सरानां सफा वेद्यं वास्तवमत्रवस्तु शिविरं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे परम धर्म का निरूपण है। भागवत में मोक्ष पर्यंत परम धर्म का निरूपण है। जो निर्मत्सर है, दूसरे से जिनको ईर्ष्या नहीं है, जलन तकलीफ नहीं है, वो इसके अधिकारी हैं। जिनको दूसरों की बुराइयां ज्यादा दिखती हैं, दूसरों का उत्कर्ष देख के जो ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं, इनको ऐसा कैसे हो गया, वो भागवत के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। भागवत का अधिकारी निर्मत्सर व्यक्ति है। दूसरों से ईर्ष्या मत करो। दूसरों का सुख देखकर आपके अंदर प्रसन्नता आने लगे और दूसरों का दुख देखकर जब हृदय दुखी होने लगे, समझ लेना अब हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। और दूसरों को दुखी देख के लगे कि अब आया मजा, तो समझ लो अभी हम बहुत गलत रास्ते पे हैं, अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। पड़ोसी को परेशानी में पड़ा देख करके लगे कि अच्छा अब आया आनंद है, तो समझ लो गड़बड़ है। अच्छा समय लाल जी, लोगों की हालत यह है कि पड़ोसी पे विपत्ति आए तो क्या कहते हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं, जैसा कि आए भोगना पड़ेगा, सब कर्मों का फल है। पड़ोसी पे विपत्ति आए तो कर्मों का फल, और अपने पे आ जाए, हे भगवान तूने इतना दुख क्यों दिया, ये भगवान ने दिया, पड़ोसी को कर्मों का फल मिल रहा है और तुम्हें, बोले तुम्हें भगवान ने दिया, भगवान इसीलिए बैठे तुम्हें दुख दें। अरे भैया भगवान ने नहीं दिया, वो पड़ोसी को भी कर्मों का मिला तो हमें भी अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। एक बात हमें कभी कभी याद आती है तो हंसी आती है। गुप्ता जी, जब घर किसी व्यक्ति के ऊपर परेशानी आती है, अब समय है चलता रहता है, जैसे दिन रात है, सुख दुख भी आते जाते रहते हैं, दुख आता है तो व्यक्ति क्या कहता है, कोई कहेगा पितृ दोष है, कोई कहेगा राहु का दोष है, कोई कहेगा अमुक दोष है, सारे दोष दिख जाएंगे पर अपना दोष नहीं दिखेगा कि मेरा क्या दोष है जिस वजह से मैं दुखी हो रहा हूं। हम ये नहीं कहते कि पितृ दोष या राहु दोष या ये सब दोष नहीं होते, सब होते हैं, पर हम यहां कहना ये चाहते हैं कि भैया बाकी दोष तो सब ठीक हो जाएंगे, आप अपना दोष ठीक कर लीजिए, आप ठीक रास्ते पे रहिए, आप अपना नेकी का रास्ता, आप अपनी सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए, धर्म का मार्ग मत छोड़िए। रावण चाहे जितना पराक्रमी हो पर विजय सत्य की हुई कि नहीं, कंस चाहे जितना आतंक मचा ले पर विजय सत्य की हुई कि नहीं, दुर्योधन चाहे जितने मन के लड्डू खा ले पर विजय सत्य की हुई, उसी प्रकार भैया सत्य की ही विजय हमेशा होती आई है और होती रहेगी, धर्म की ही विजय हमेशा हुई है। अधर्म थोड़ी देर के लिए फल फूल सकता है पर हमेशा के लिए वह शाश्वत नहीं हो सकता, विजय हमेशा धर्म की होगी। यतो धर्मस्य ततो जयः, जहां धर्म है वही विजय है, धर्म की विजय है। इसलिए हम सच्चाई का मार्ग, धर्म का रास्ता कभी ना छोड़े। जिसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया वो तो पशु तुल्य हो गया।
देखो धर्म केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है, धर्म का अभिप्राय केवल पूजा पाठ से नहीं है, धर्म का प्रयोजन जो है हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया से है। हर क्रिया में धर्म होना चाहिए, हमारे बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यापार में, हमारे आचरण में, हर जगह धर्म होना चाहिए। बिना धर्म का जीवन बेकार है। और भागवत बोले ये तो धर्म से धीरे धीरे परम धर्म की ओर ले जाने वाला वह ग्रंथ है, जिसके श्रवण की इच्छा मात्र से श्री हरि हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, ये वह दिव्य संहिता है, ये वह महापुरुष परमहंसों की संहिता है, जहां रस ही रस है। निगम कल्प तरोरी कलितम फलम सुख मुखारद्रवसयोतम रसमालयम मोर रसिका भोवे भारुका। यह वेदों का निचोड़ा हुआ रस है, वेद को वृक्ष और भागवत को फल कहा है। अच्छा समय लाल जी, भागवत को फल कहा है तो कई बार लोग भागवत की व्याख्या करते करते थोड़ा वेदों की महिमा को यहां कम कर देते हैं, बोले उसमें रस नहीं है, रस तो सब फल में है। पर आप ये बतलाइए, यदि पेड़ ना हो तो क्या फल होगा? क्या बिना वृक्ष के फल की कल्पना संभव है? वेद मूल है, इसलिए वेद की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वेद भगवान का स्वरूप है, वेद साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। पर यह है कि कलयुग में हम लोगों की समझ उतनी नहीं है कि हम वेदों की गूढ़ भाषा को समझ पाए, गूढ़ तत्व को समझने का हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वेदों की भाषा का ही सरलीकरण पुराण है। पुराणों के रूप में वेदों को ही मानो सरल करके दिखा दिया। और भागवत तो सारे पुराणों का श्रोमणी, सारे पुराणों का तलक है। नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न आरंभ में किए हैं, जीव का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, ईश्वर वह जन्म हो तो जन्म क्यों लेता है, और फिर जन्म लेता ही है तो कितने अवतार हुए, हमारे इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म कहां रहता है, ये 6 प्रश्न आरंभ में हुए हैं। सूत जी ने 6 प्रश्नों के बड़े दिव्य समाधान किए हैं। जीव मात्र का कल्याण भगवान की शरणागति ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता। सब शास्त्रों का सार है, भगवान के भजन में लग जाओ। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 कि सुख देवत सुख होत है और दुख देवत दुख होए। भैया जीवन में आपने जो बांटा है वही मिलेगा। आप सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा और दुख बांटोगे तो दुख मिलेगा। कभी किसी को कठोर शब्द भी कहो तो संभल के कहना। कितना कठोर कहना? बोले जितना खुद सहने की शक्ति रखते हो उतना ही कहना, क्योंकि लौट कर आएगा जरूर। हैं? जो हम दे रहे हैं वो लौट कर जरूर आएगा। आप जो भी कुछ देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, गाली देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे या अपमान देंगे, वो लौट कर आएगा। ये प्रकृति का नियम है, जो बांटोगे वो लौट कर आएगा। और जितना दिया है उतना नहीं आएगा, बल्कि आपने जितना दिया उससे हजारों गुना ज्यादा आएगा, पक्का नियम है। अब आपने आंसू दिए हैं तो रोने के लिए तैयार रहो, और आपने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है तो साहब आपकी मुस्कान कोई नहीं छीन सकता। ठाकुर जी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। हमारी ये माताएं जब आती हैं घर से दुखी होके आती हैं, आकर के रोने लग जाती हैं, महाराज जी रख लो, महाराज जी ये समस्या है, कितनी माताएं रोती हुई आती है, बच्चों ने कह दिया मर जाना मगर लौट के मत आना,
जहां मर्जी चली जाना, मगर हमारी जिंदगी को सुकून में कर दो, हमें पीछा छोड़ो। बेचारी माए रो, पर हमारे आपके प्रयास से इन माओ के आंसू पुछ जाएं और इन माओ के, इन बुजुर्गों के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए, खुशी आ जाए, तो आप विचार करिए, ये भक्ति से कम है क्या? ये किसी भजन से कम है क्या? अरे भैया, जो बांटोगे वही तो मिलेगा। ठीक है, कोई प्रारब्ध निकाल रहा होगा जिस कारण से आज इनके साथ ऐसा हुआ, पर कल किसके साथ क्या होगा, क्या भरोसा? पर हम यदि लोगों की खुशी का, लोगों की प्रसन्नता का कारण बनेंगे, तो ठाकुर जी निश्चित हमें भी प्रसन्न बनाएंगे। हम इन लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, मुस्कान दे रहे हैं, तो हमें भी ठाकुर जी अवश्य देंगे। नंद बाबा के घर में ठाकुर जी प्रकट भए, क्यों? बोले नंद का मतलब है जो सबको आनंदित करे, जो सबको आनंदित करता है। एक दिन उसके घर में ब्रह्मानंद प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट हो गए। जाता हिला दो महामना। तो भैया, जीवन में वही प्रदान, वही बांटना जो लेने की सामर्थ्य हो। आपने एक रुपए भी कहीं दिया है तो वो हजार होके लौटेगा। आपने एक गाली किसी को दी है, हजार होके लौटेंगी। आपने कहीं कुछ भी किया है, वो हजार गुना होके आपको मिलेगा ही मिलेगा। शास्त्री जी, रावण की लंका जल गई। किसी ने कहा, भाई लंका क्यों जली? इस पर चर्चा हुई, तो चर्चा तो लंबी है, उसमें मानस में ज्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि हमारी आदत है रामचरित मानस में घुस जाए तो फिर लंबे ही चले जाते हैं, संचित भी गए। रावण की नगरी इसलिए जल गई कि रावण ने दूसरों के घर जलाए थे, और जो दूसरों का घर जलाएगा उसका घर बच जाएगा। जो दूसरों के घरों में आग लगाएगा एक दिन उसका घर भी जलेगा। तो अकेले रावण का घर नहीं जला, बल्कि पूरी लंका है? पूरी लंका जल गई कि नहीं, जिसने दूसरों के घर जलाए थे। क्या किया था रावण ने? जहां जहां धैनु देव जो पावे, नगरे सब शास्त्रों का सार क्या है? बोले परोपकार करते चलो, अच्छा काम करते चलो, और भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन करते रहो। ईश्वर अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लेते हैं? बोले भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं, एक दो कारण नहीं है, अनेक कारण है। पर भगवान की बार बार अवतार लेने का कोई मुख्य कारण यदि कहा जाए तो वो है भक्तों पर कृपा। भक्तों के लिए भगवान बार बार दौड़ दौड़ के आते हैं। कितने अवतार हैं? बोले भगवान के अवतारों की गिनती करना मुश्किल है। जैसे आसमान के तारों की गिनती नहीं हो सकती, वैसे ही भगवान के अवतारों की गणना नहीं हो सकती।
पर मूल रूप से 24 अवतार। भगवान ने मुख्य 24 अवतार धारण किए और एक अवतार की तिथि तो अभी हम लोग मनाने वाले, अब जिसके उस उपलक्ष में ही चल रहा है, ठाकुर जी साक्षात अवतारी प्रकट भए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कृष्ण हुए थे, कृष्ण थे। अच्छा, कृष्ण थे कि हैं? हमें बड़ा दुख लगता है आजकल की नई जनरेशन, कृष्ण थे, राधा थी, आए थे। अरे थे नहीं, हैं। कृष्ण आए थे, ये बात तो ठीक है, आए थे, लेकिन कृष्ण कहीं गए नहीं है। श्री राधा जी, श्री कृष्ण आज भी यहां कहें कि हम आप जैसे थोड़े हैं कि शरीर है मर गया, वो परमात्मा है। और बहुत बढ़िया बात यह है, इस बार कल हमने कहा था कि 5251 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं ठाकुर जी के प्राकट होने के अवसर को। 5251वीं जन्माष्टमी कल मनेगी, कल हो परसों 26 तारीख को। अच्छा, इस बात को लेकर के बहुत लोगों में भ्रम की स्थिति है कि 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं या 27 तारीख को मनाएं। कई जगह 27 को भी मनाई जा रही है। इस कारण से भक्तजनों में, आस्तिक समाज में थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। पर हम आप सबसे निवेदन करें कि बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, हमारा त्योहार बहुत उत्साह पूर्वक मनना चाहिए। जब भी कोई त्योहार दो दो दिन हो जाता है तो उत्साह कम हो जाता है। लोगों में जो उत्साह उमंग होना चाहिए वो कुछ कम पड़ जाता है। इसलिए सभी सनातनी, सभी धर्मावलंबी, सभी लोग मिलजुल करके प्रेम पूर्वक 26 तारीख को ही प्रेम पूर्वक जो है जन्माष्टमी पर्व मनाएं, क्योंकि 26 तारीख को सब प्रकार से जन्माष्टमी सिद्ध हो रही है। रात्रि भी अपनी जन्माष्टमी, अष्टमी तिथि होना चाहिए, उस दिन रात्रि भी अपनी है। रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी आ गया है और संयोग से सोमवार का दिन है। और पुराणों में कहा है कि बुधवार और सोमवार को यदि अष्टमी पड़े तो बहुत अच्छी मानी जाती है। इस बार तो सोमवार को जन्माष्टमी पड़ रही है, बहुत अच्छा अवसर है। संख्या भी 5251वां वर्ष है, तो हम लोग अपने त्योहारों पर ये भ्रम का ग्रहण ना लगने दें कि ये करें कि ये करें। हमें तो आग्रह है कि जो बड़े बड़े धर्माचारी हैं या शंकराचार्य हैं, इन लोगों को एक धर्म संसद बना करके और ऐसा कुछ वो पंचांग वर्ष भर का तैयार करना चाहिए कि एक मत से ये निर्णय हो जाए कि ये त्योहार इस दिन मनाना है। और फिर जो है उसी दिन वो त्योहार सर्वमान्य रूप से मनाया जाए, ताकि हमारे त्योहारों में ये दो दो दिन होने का ग्रहण ना लगे। असल में शास्त्री जी, जब से सोशल मीडिया का जमाना ज्यादा बड़ा है तब से ये भ्रम ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग वायरल होने के चक्कर में अनाप शनाप जैसी तैसी कुछ भी जानकारी। हमें तो वायरल होना है, हमें तो अपने फॉलोअर्स बटोरना है, व्यूज बटोरना है, तो कुछ भी कहे जा रहे हैं। अब वो कुछ भी के चक्कर में सामान्य जनता जो है वो तो भ्रमित हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्या करें क्या नहीं करें, कब मनाए कब नहीं मनाए। अच्छा, इसमें एक कारण और है, वो है स्रोत और स्मार्थ, अथवा वैष्णव और स्मार्थों का। तो वो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग परंपराएं हैं। कोई आचार्य की परंपरा जो है किसी रूप में त्योहार को स्वीकार करती है, कोई आचार्य परंपरा किसी रूप में त्योहारों को स्वीकार करती है। जैसे आप देखेंगे कि निम्बारकाचार्य जी का जो मत है, निम्बारकाचार्य पंथ, उसमें एकादशी प्रायः जो है अगले दिन होती है, जिस दिन सब मनाएंगे उसके लगभग ऐसा हो जाता है कि अगले दिन होगी। तो उसका कारण यह है कि उनके आचार्य मत के अनुसार, उनके संप्रदाय मतानुसार वो द्वादशी तिथि ही प्रायः ग्रहण करते हैं,
तो ये कुछ संप्रदायों का भेद भी है, पर हम निवेदन करें कि हमारे जितने वैष्णवाचार्य हैं, जितने शंकराचार्य हैं, वो सब एक मत होकर के कोई ऐसा निर्णय त्योहारों के लिए लिया जाए कि जिससे आज हमारा जनमानस दिग्भ्रमित ना हो। अच्छा राठौर जी, एक और बात है कि वर्तमान काल में सनातन धर्म और भारतवर्ष को बड़ा भारी खतरा है। किससे है? ये तो सब जानते ही हैं, बांग्लादेश की स्थिति छुपी नहीं है, कश्मीर किसी से छुपा नहीं है, हम लोगों ने कितने वर्षों गुलामी झेली किसी को छुपा नहीं है, लेकिन दोबारा गुलामी ना झेलना पड़े इस बात के लिए सतर्क और सावधान तो होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें अपने रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हो जाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विचार करना कि यदि हम एकजुट नहीं हुए, अपने धर्म की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं की, तो न रोटी पे अधिकार, हमारी रोटी भी छिन जाएगी, कपड़े भी उतर जाएंगे और बने बनाए मकान में भी कोई और रहेगा। है कश्मीर में हुआ कि नहीं ऐसा? अरे भैया, हम तो कहते हैं धर्म की चर्चा से भी पहले राष्ट्र धर्म है, सबसे प्रमुख है राष्ट्र धर्म। हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हमारा राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए, और राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम सब लोग एक हो जाएं। जो हम अलग अलग मतों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं, सभी संप्रदाय, सभी आचार्य एक मत होकर के, क्योंकि हम आपस में ही बटे रहेंगे और झगड़ते रहेंगे तो दूसरे लोग तो लाभ उठाएंगे कि नहीं। आज हम लोग अपने समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उन लोगों की सहायता हम लोग नहीं करते। हमारे समय लाल जी छत्तीसगढ़ से हैं और आपने बहुतायत स्थिति में वहां ये देखा होगा, हम एक दो बार कथा करने गए तो हमें वहां सुनने में मिला कि जो गरीब क्षेत्र हैं वहां ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं कि क्रिश्चियन लोग आते हैं, उनको गरीब लोगों को कुछ लालच दिखाते हैं, बकरियां दे दी, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की बात कह दी, कुछ और प्रलोभन दे दिया, और थोड़े से प्रलोभन में हमारे अपने वो भाई बंधु उनके धर्म को अपना लेते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, और इसी तरह धर्मांतरण होता रहा तो विचार करो सनातन की क्या स्थिति होगी। और सनातन धर्म नहीं बचा तो भारत राष्ट्र नहीं बचेगा, और भारत राष्ट्र नहीं तो सनातन नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सारे विश्व में धर्मांतरण हो गया, एक केवल भारत ही हिंदू राष्ट्र बचा है, नेपाल भी घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं हो पा रहा है, तो एकमात्र जो है भारत ही हिंदू राष्ट्र बचा कि नहीं? कोई तो कारण होगा, हमारे पूर्वजों ने कुछ तो बलिदान दिया होगा कि सारी दुनिया कन्वर्ट हो गई लेकिन हमारा भारत कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब बहुत बड़ी चुनौती है। देखो, बच्चों को यह पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आजाद कैसे हुए, बच्चों को यह पढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आजाद कैसे हुए, बच्चों को यह पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गुलाम कैसे हुए थे ताकि हम दोबारा गुलाम ना हो जाए। ये सिखाना समझाना बहुत जरूरी है कि हम किन कारणों से, किन कमजोरियों के कारण गुलाम बने, अब वो कमजोरियां हमारे बीच में ना आ जाए, नहीं तो हमें दोबारा किसी का गुलाम बनना पड़ जाए। और बांग्लादेश पर आक्रमण हुआ तो वहां की प्रधानमंत्री तो भाग के भारत आ गई, लेकिन विचार करो भारतीयों कि जिस दिन हमारे हिंदुओं पर भारत में हमला होगा तो हम लोगों के लिए तो विश्व में कोई दूसरा देश भी हिंदुओं का नहीं है, है? हम लोग कहां जाएंगे, कौन शरण देगा? इसलिए केवल हम अपने स्वार्थ तक ना रहें बल्कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं और धर्म रक्षा का कार्य करें, राष्ट्र रक्षा का कार्य करें, और हमारी समाज के जो उपेक्षित, वंचित, दलित कहे जाने वाले लोग हैं उनको हम हृदय से लगा के साथ दें। छुआछूत
अस्पृश्यता या भेदभाव जैसी स्थितियां आज की समाज में ये बहुत बड़ा भयंकर दंश है, ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारा समाज बट रहा है, बिखर रहा है। हम सब एक हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमारे दलित भाई हो, कोई वंचित वर्ग हो, उसको भी हृदय से लगा के उसको भी सम्मान देना चाहिए। हमारे यहां अन्य क्षेत्र चलता है या जो भी कथा चलती है, कोई भी आयोजन चलता है, कभी किसी से जाति पूछी जाती है? हमारे इतनी माताएं रह रही, किसी से पूछा जाता है कि आप किस जाति से आती हैं, कब अपना लेके आई है? माताओं से पूछ सकते हैं आप? कभी किसी से नहीं पूछते कि आप किस जाति से हैं। मानप्रस्थ में रहने वाले लगभग 450 लोगों ने कमरे बुक किए हैं, किसी से नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया, महाराज जी आप जरा देख लिया करो। हमने कहा तुम्हारे देखने के चक्कर में तो सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है। देखो हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, ये मत समझना कि हम कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था बेकार है। वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था तक होना चाहिए, घृणा की स्थिति तक नहीं होना चाहिए। व्यवस्था बनी रहे पर घृणा ना हो, क्योंकि वो घृणा समाज को तोड़ देगी और समाज टूटेगा तो हमारे अपने जो हैं वो दूसरे मत में, दूसरे धर्मों में चले जाएंगे और धर्मांतरण होगा। और परिणाम ये होगा कि हमारा धर्म कमजोर पड़ने लगेगा। आज लव जिहाद, लैंड जिहाद और जाने कौन कौन से जिहाद चलाए जा रहे हैं, है? हमारी जमीनें हड़पी जा रही, बहन बेटियों को बरगलाया जा रहा है, तमाम तरह से हमारे ऊपर आक्रमण बाहर के लोग तो कर ही रहे हैं, कम से कम हम लोग तो अपने आप में मिलजुल कर रहे हैं, संगठित रहें और धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित रहें। अब कोई कह सकता है महाराज जी आप तो भागवत कहने बैठे, ये सब बातें कहने की क्या आवश्यकता है? पर विचार करिए समयलाल जी कि ये बातें ना कहें और धर्म की रक्षा नहीं हुई, राष्ट्र नहीं बचा, तो हम कथा सुनाएंगे किसको? जब सनातन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, किसको कथा सुनाओगे? अब कोई कहेगा आप तो अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, ये भी मान लीजिए तो ठीक है, पर हम इसलिए कह रहे हैं भैया कि हम तो ठीक है कथा सुनाई लेंगे, पर आगे भी ये परंपराएं चलती रहें, हमारा धर्म बचेगा तभी हमारा राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा। इसलिए सनातन की रक्षा और भारत राष्ट्र की रक्षा, ये दोनों हम सब की जिम्मेवारियां हैं। कैसे अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं और कैसे अपने धर्म को मजबूत कर सकते हैं, इस पे हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। जिसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है वो व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा धर्म है राष्ट्र धर्म, क्योंकि हमारी भूमि सुरक्षित नहीं होगी, हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। हम लोगों की सुरक्षा तभी है जब हमारी भारत भूमि सुरक्षित रहे। भगवान का अवतार बार बार होता है, क्यों? अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म हेतु आओ अरे धर्म की रक्षा के लिए। अच्छा, राम रूप में आए तो उन्होंने केवटों को हृदय से लगाया, सबरी के बेर खाए, कोल भील किरातों को अपना मित्र बनाया, बंदर भालुओं को सहायक बनाया, सबको सपनाया कि नहीं? हमारे श्री कृष्ण आए तो सबके साथ खेलते हैं कि नहीं, सबके साथ खाते हैं कि नहीं? पाला नयन का
हितलागी भगवान भक्तों के लिए आते हैं, बार बार अवतार लेते हैं। और हम लोग 5251वां वर्षोत्सव अभी मनाने वाले हैं, जन्माष्टमी का उत्सव। कितने अवतार हैं? बोले असंख्य अनंत भगवान के अवतार हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति है। धर्म का स्वरूप क्या है? बोले सबई पुंसाम परो धर्म वो तो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं धर्म वही श्रेष्ठ है जिससे भगवान श्री हरि के चरणों में, अधोक्षज भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति, अहेतु की प्रेम हो जाए। धर्मानुष्ठित पुंसाम स्वक्सेन कथा सुया नोदपाद्यदर्तिन्यत्सर्व एवैहि केवलम। कहा गया है कि यदि अनेक धर्मानुष्ठानों के करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से भी आपको भगवत प्रेम नहीं हुआ, भगवान के चरणों में भक्ति नहीं मिली, प्रेम नहीं हुआ, तो वो आपका केवल श्रम है। खूब तीर्थ यात्राएं करें, खूब व्रत करें, खूब कथा सुने और फिर भी भगवान के प्रेम नहीं हो रहा, भक्ति नहीं बढ़ रही, तो उसका लाभ ठीक नहीं मिला, कहीं ना कहीं कमजोरी है, गड़बड़ी है। सूत जी कहते हैं मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा जो भागवत आप सुनाने वाले हैं उस भागवत की रचना वेदव्यास जी ने किस अभिप्राय से की, किस प्रकार रचना हुई, किस प्रकार श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को प्राप्त हुई और कैसे परीक्षित को सुनाई गई, वो पूरा वृतांत कृपा करके कहिए। कि कस्मिन् युगे प्रवदे स्थाने वाकेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृत्वान् सन्निहिता मुने। सूत जी कह रहे हैं द्वापर युग की समाप्ति में पराशर ऋषि के यहां सत्यवती जी के गर्भ से भगवान वेदव्यास प्रकट हुए। पहले इन्होंने वेदों के विभाग किए, फिर पुराणों की रचना की, 17 पुराण जब लिख लिए तो महाभारत की रचना की, और इन्होंने समाज के कल्याण के लिए खूब अपनी लेखनी चलाई। लेकिन फिर भी मन में कुछ असंतुष्टि, असंतोष था कि अभी हमारा काम कुछ अधूरा है, कुछ ना कुछ कहीं कमी रह गई, ऐसा मन में लग रहा था। तो थोड़े विचार मग्न अवस्था में अपने आश्रम में बैठे हुए थे, देव ऋषि नारद आए, नारद जी को प्रणाम किया। देव ऋषि हैं, आपका अनायास इस समय मेरे आश्रम में आना तो परम सौभाग्य, क्योंकि मैं किसी चिंता में हूं। नारद जी बोले हम सब समझ गए आप किसी व्यथा में, किसी चिंता में हो। बोले क्या, अब मैं क्या लिखूं? नारद जी ने कहा अब आप श्रीमद् भागवत लिखिए, क्योंकि अभी तक आपने जो लिखा है उसमें आपने भय दिखलाया है, ये पाप करोगे तो इस नरक में जाना पड़ेगा, ये करोगे तो इधर जाना पड़ेगा। देखो चोर जो है दंड के भय से चोरी ना करे, ये ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसा होना चाहिए जिससे चोर का हृदय परिवर्तित हो जाए और वह चोरी की भावना ही त्याग दे। दंड के भय से कोई चोरी ना करे ये उसका पूरी तरह समाधान नहीं है, दंड विधान होना चाहिए, ये नहीं कह रहे हम शास्त्री जी। आज जो बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, कोलकाता की घटना अभी हाल ही में हुई, इस तरह का जो बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? आप सब विचार किया करें, आत्ममंथन करें, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी भीभत्सता, इतना ज्यादा अधिक क्रूरता कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति के अंदर, ये सब क्यों हो रहा है? जब बहुत विचार किया जाता है तो अंदर से एक उत्तर मिलता है, इस सब के पीछे बड़ा कारण है सोशल मीडिया के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, हॉलीवुड के माध्यम से परोसे जाने वाली अश्लीलता। जो अश्लीलता फिल्मों के द्वारा,
सीरियल के द्वारा, तमाम सीरीज के द्वारा परोसी जा रही है, वह व्यक्ति की मानसिकता को विकृत कर रही है। और जब व्यक्ति की मानसिकता विकृत हो जाती है तो उसको ना तो दंड का भय होता है, ना उसको फांसी का भय होता है। कामातुराणाम न भय मन लज्जा। जब वह व्यक्ति अत्यंत उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है और विकृत हो जाती है तो उसको ना धर्म दिखता है, ना भय दिखता है, ना दंड का कोई भय रह जाता है। उस समय वह केवल अपनी वासना की पूर्ति चाहता है। तो उसमें वो वासना की आग भड़काने का काम किसने किया? ये नग्न प्राय जो टीवियों में नाच रहे हैं लोग, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? तुम तो वहां नग्न होकर नाच कर दिखा करके और लोगों की बुद्धि खराब कर रहे हो, लेकिन उसका शिकार बेटी छोटी छोटी बच्चियां हो रही हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, महाराज जी बुद्धि बदल जाए, लोगों की मति बदल जाए और लोग अपने आप पाप कर्म से दूर हो जाए। यह बात जब सुनी तो व्यास जी ने कहा क्या करें? नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की सारी वृतांत सुनाया है। पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था और संयोग से मैंने संतों का आश्रय प्राप्त किया, संतों से कथा सुनी और संतों के द्वारा भगवत चरित्र सुनते सुनते ऐसा भगवत प्रेम मुझे प्राप्त हुआ कि मुझे न खेलकूद अच्छा लगता था, न कोई बातचीत अच्छी लगती थी, केवल भगवान का भजन। उन संतों के द्वारा प्राप्त मंत्र को जपते जपते मैंने अपनी माँ की सेवा की। माँ की मृत्यु के बाद उसी मंत्र का जप करता रहा, भगवान की वाणी मैंने सुनी आकाशवाणी के रूप में। और उसके पश्चात जब प्रलय हुआ तो प्रलय में मैं समा गया और ब्रह्मा के मानस पुत्रों में ब्रह्मा जी का बेटा बन करके नारद के रूप में मेरा जन्म हुआ। और ये वीणा बजा वसी भागवत की रचना कीजिए, लोगों को ऐसा भगवान से प्रेम हो कि लोग भगवान के बिना रह ना सके। कैसे? बोले जैसे मछली जल के बिना नहीं रहती, जैसे पपीहा स्वाति का जल चाहता है, ऐसे दिन रात प्रभु तुझे चाहूं। हो मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहो। चल रहा है जरा झूमते हुए।
चरणों में अपने जगा दे, चरणों में अपने जगा दे तेरे।